फिर आपका स्वागत है। और रेल किराओं में बढ़ोतरी पर लोगों की राय जानने के लिए बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, सबसे पहले जानना चाहेंगे लोगों की राय, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को समझते हैं कि किराए में बढ़ोतरी जरूरी है? निखिल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने काफी लोगों से बात करी, उन्होंने ये कहा बेसिकली कि रेल किराए बढ़ने चाहिए ताकि उनको ज्यादा सुविधाएं मिले, क्योंकि रेल में अगर आप देखें तो काफी सारी प्रॉब्लम है, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी सेफ्टी की प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल कंडीशन अगर हम रेलवे की देखें तो इतनी अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेशन करना है। तो जहां तक हमने लोगों से बात करी, उनका थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इस पूरे प्राइस राइज पे था कि हाँ, थोड़े बढ़ने चाहिए ताकि एटलीस्ट रेलवे में अगर ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज्यादा सुविधाएं ही मिलेंगी। जहां तक बात है डिसीजन की, जब कल डिसीजन लिया गया तो एक तरह से ये एक्सपेक्टेड डिसीजन था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही 2-3 दिन पहले ये कहा था कि बिटर मेडिसिन की जरूरत है इकोनॉमी को, और बिटर मेडिसिन की अगर बात करें तो रेलवे से शुरू हुई है बिटर मेडिसिन, और बिटर मेडिसिन थोड़ा मान सकते हैं कि थोड़े टफ मेजर्स, पर ये टफ मेजर्स अल्टीमेटली ट्रांसलेट हो गए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए भी, और जहां तक रेलवे की बात है रेलवे में भी, रेलवे में अगर हम थोड़ा तफसील से बात करते हैं तो उसके अंदर काफी रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, बुलेट ट्रेन की बात करी जा रही है। अभी तक इंडिया में बुलेट ट्रेन नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेसिडेंट की स्पीच हुई थी पार्लियामेंट में, जिसके अंदर सारा गवर्नमेंट का क्या उनके एजेंडा होंगे, उसमें एम्फेसिस अगर हम देखा जाए बहुत सारी चीजों में एम्फेसिस था, उनमें से रेलवे भी में भी बहुत एम्फेसिस था। एक गोल्ड डायमंड क्वाड्रिलेटरल की बात करी जा रही है जो 4 महानगरों को जोड़ेगी, अगर हम पिछले एनडीए सरकार की बात करें 99 में, तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज की बात करी जा रही है, तो इस बार एक डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेलवे रूट की बात करी जा रही है, जिससे ताकि स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन हो, लोगों में ज्यादा कॉन्टैक्ट हो। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूं कि अगर रेलवे के अंदर थोड़ा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो ट्रांसलेट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो देखा जाए तो मोर और लेस अगर आम जनता की बात करें तो उनमें ये डिसीजन एक पॉजिटिवली लिया है। सिद्धांत, जो माल ढुलाई भाड़े में 6.5% की वृद्धि हुई है, इस पर भी जोरदार हमला किया है विपक्षी पार्टियों ने। उनका कहना है कि इससे महंगाई दर में भी वृद्धि होगी, तो क्या कहना आपका, क्या आम लोगों का इस पर क्या सोचना है? निखिल, मैंने यहाँ जब बात करी तो ज्यादातर लोगों का एम्फेसिस पैसेंजर फेयर हाइक पे था, फ्रेट पे ज्यादा हमने ज्यादा मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर पैसेंजर्स। बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री ने मोर और लेस ये वेलकम करा है, उन्होंने ये कहा है क्योंकि रेलवे से पैसेंजर मूवमेंट तो होती है, बट रेलवे बहुत सारी कमोडिटी मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है इंडिया में, पूरी हर जगह एक लॉजिस्टिक सपोर्टर की तरह है। तो रेलवे पहले जो उनका रेवेन्यू जनरेशन मेनली अभी पैसेंजर सेगमेंट से नहीं है, फ्रेट सेगमेंट से ही है, तो यूं की ऑपोजिशन ने अटैक कर रहा है, बट मोर और लेस ये रेलवे के हित में ही है, और इंडस्ट्री ने तो एटलीस्ट इसे वेलकम ही कराई है इस डिसीजन को। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धांत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात मुंबई के